हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू निकीज हैप्पी वर्ल्ड। तो कुछ दिन के लिए मैं छुट्टी पे थी। मैंने जो है कोई भी ब्लॉग नहीं डाला मेरी चैनल पे। साई बाबा वाली चैनल तो चलती रहती है, उसके भी मतलब शूट आज मैं करने वाली हूँ। मेरे को ठीक नहीं था कुछ दिनों से, तो इसलिए दिवाली के इतने मैंने वीडियोज़ निकाल के रखे हैं, बट वो वैसे ही है। और अभी तो टाइम भी चला गया, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वो दिवाली वाला ब्लॉग डालना चाहिए। बट एनीवेज, आज जो है हम लोगों की एनिवर्सरी है, थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी है। और आज भी कुछ उतना ज़्यादा स्पेशल शायद नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि मुझे ठीक नहीं है। काफ़ी सारे इसके भी प्लान्स थे, बट वही है, ठीक ना होने की वजह से वो सारा सब कुछ जो है वो रह गया। एनीवेज, मेरा गेट का जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट लग गया, कल ही लगा। तो ओ ग्रेड से जो है काफ़ी अच्छे परसेंटेज के साथ मैं पास हो गई हूँ। एंड आज आप लोगों के साथ जो है मैं एक रेसिपी शेयर करूँगी खमन की, जो गुजराती वाला एकदम स्पेशल वाला जो खमन होता है ना, तो वो उसकी रेसिपी मुझे भी नहीं पता। एक रेसिपी मैंने शेयर करी है जो है खट्टा ढोकला, गुज्जू खट्टा ढोकला, तो वो ना वाइट वाला ढोकला होता है, वो अलग होता है। और ये वाला जो है ये खमन है। तो यहाँ पे जो मिलते हैं ना, तो वो खमन में मतलब वो मीठा वाला रहता है, तो वो मीठा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मेरे फ्रेंड ने जो है वो भी वहीं पे रहता है जहाँ पे मैं गुजरात में रहा करती थी, तो उससे जो है मैंने स्पेशली मंगवा ली है रेसिपी, मैंने देख ली है और वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, तो आप लोग भी वो देखना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आधा किलो हम लोगों ने दाल लिया था चने का, जिसको हमने रात में भिगो दिया था पानी डाल के। अब ये देखिए ऐसे इस तरह से जो है ये नाखून से ये पूरा टूट रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसको हम जो है अभी पीस लेंगे सारी पूरी की पूरी दाल। ये लिया मिक्सी में। ये देखिए, ये पहले इसमें जो है मैंने पीसा, ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी भी दाल नहीं है इसमें। अभी ये जो दाल है ना, ये जल्दी से पीसी नहीं जाती है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके जो है इसको पीस सकते हैं। बट अभी ठंडी के दिन है और मुझे ढोकला जो है अभी शाम में ही बनाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं थोड़ा सा ना इसको जल्दी से फर्मेंट होने के लिए ये खट्टा दही ले रही हूँ यहाँ पर। तो ये मैं 2 टेबल स्पून जो है इसमें डाल रही हूँ, तो फर्मेंट ये जल्दी हो जाएगा और टेस्ट भी जो है इसकी बढ़िया जल्दी से आ जाएगी। तो ये और एक राउंड बचा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो इसमें भी जो है मैं थोड़ा सा दही डालूंगी, पानी नहीं डालूंगी। ये जो आप पहली वाली देख रहे हैं, इसमें मैंने थोड़ी सी थोड़ा सा पानी डाला था और मैंने वैसे पीसा था। और ये जो 2 वाले राउंड है, इसमें अभी मैं थोड़ा दही डाल के उसको घुमा लूंगी, पानी नहीं डालूंगी, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे इस तरह से इस कंसिस्टेंसी में ये बन गया है पूरा पेस्ट दाल का, ठीक है। अभी इसको जो है हमें कुछ घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देना है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, 10 बज रहे हैं, तो शाम में मैं कुछ इसको 4-5 वगैरह बजे जो है वो उसको बनाऊंगी, तो तब आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे हो जाएगा। तो एक मैंने यहाँ पे कुकर, या आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें इसको पूरा डाल दे पेस्ट को। इसमें अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा है, ठीक है, सिर्फ दही और दाल ही हम लोग की पीसी हुई। इसमें हम जो भी डालेंगे अभी बनाने के 10-15 मिनट पहले ही डालेंगे, तो तभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसको जो है अभी क्लोज करके हम लोग रख देते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये देखिए आई ने जो है यहाँ पे पूरी तैयारी करके रखी है। अभी है, बज रहे हैं आफ्टरनून के 12, और ये आप देख सकते हैं ऑक्शन की जो है प्लेट यहाँ पे रेडी है। और ये बहुत ही सुंदर तरीके से आई ने जो है सारा पूरा खाना आज आई ने ही बनाया है। मुझे तो वैसे भी ठीक नहीं था और आई ने जो है सुबह उठ के फटाफट जल्दी से ये खाना बना लिया। तो यहाँ पे है श्रीखंड, कढ़ी, पूरी, आलू की सब्जी, कुड़ई पापड़, चावल, ये फिर से रसे वाली आलू की सब्जी है, और ये है पकौड़े, और ये रहा यहाँ पे पानी। तो आप देख सकते हैं ये सारा सब पूरा खाना जो है मेरा फेवरेट है, पता नहीं इसमें से मैं कितना खाऊंगी। और ये देखिए, ये इस तरह से जो है आई ने पूरा सा अच्छे से सजाया है। नहीं, मेरे को नहीं आता। आप लो, आपका भजिया है ना फेवरेट, आप लो ना। माले आवड़ी भाई को।
फ्रेंड्स, अभी हम जो है इसको देखेंगे ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे बाद जो है मैं इसको ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कैसा ये जो है पूरा पेस्ट फूल गया है और इसको जाली भी आ गई है बहुत ही अच्छे से। अब इसमें जो है हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो सारे सभी जो है एक एक करके डालेंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, अभी हम जो इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो है 10-12। मैंने यहाँ पे मीरे ले लिए हैं, यहाँ पे अदरक और 2-3 लहसुन की जो कलियाँ होती है वो ली है, छोटा सा ही अदरक लिया था। ये कड़ी पत्ता छौंक के लिए ले लिया है, ये भी मिर्चिया छौंक के टाइम पे हम यूज़ करेंगे। और ये जो है ये हमें मिक्सचर में डालनी है। तो अभी जो है ये एक दो ये दोनों चीज़ें जो है मैं मिक्सी में से निकाल रही हूँ, और ये जो है छोटा बड़ा हमें कूट लेना है। ठीक है, ये गया अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, मीरे जो हमने लिए थे ये उसकी पाउडर। कलर आने के लिए डालेंगे थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर, और अब हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून ऑफ नमक इसमें डालेंगे। थोड़ा सा इनो ले लिया है हमने यहाँ पे जो बिना फ्लेवर का होता है, को भी हम जो है इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अभी ये इतने बड़े पतीले में जो है मैंने यहाँ पे जाली में ये पानी डाल दिया है, ये 2 डब्बे ले लिए हैं। इसमें अब मैं ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लूँगी और उसके बाद जो है इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। इसको प्री हीट के लिए अब मैं रख देती हूँ, और कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए कि कैसी आई है। ये इस तरह से होनी चाहिए, इससे और थोड़ी लिक्विड रही तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया, ये देखिए ये जो है पूरा ऑयल यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ। फूलेगा अच्छे से, बस इतना रख देती हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा मोटे ढोकले जो है वो यहाँ पे रेडी होंगे। इसमें थोड़ा मैं डाल ही सकती हूँ। ये देखिए प्री हीट में हम लोगों ने ये एक वाला डब्बा रख दिया है, यहाँ पे मैंने कपड़ा रख दिया है, उसके ऊपर प्लेट रखी है, हाई फ्लेम है 10 मिनट हाई फ्लेम, फिर गैस कम कर देना है 5 मिनट और 15 मिनट में उसको निकाल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो ये फर्स्ट वाला बैच रेडी हो गया है। यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, इसके अंदर ये देखिए छौंक लगाने के लिए यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऐसे मैंने ऑयल ले लिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जो है अब हम लोग डालेंगे, ये हींग डाल रही हूँ मैं। राइस में ज़्यादा डलती है, थोड़ी 2 मिर्ची डाल देती हूँ, और ये कड़ी पत्ता है जिसको मैं डाल रही हूँ। इसको अच्छे से जो है होने देंगे, आप चाहे तो ऊपर से सॉल्ट भी डाल सकते हैं, और इसको जो है मैं उसमें डाल दूंगी। ये देखिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे इस तरह से ये ढोकला बना है, पूरा स्पॉन्जी है, मस्त अच्छे से बने हैं। हल्दी थोड़ा कम दिख रहा है मुझे शायद, तो हल्दी और अगर डालती तो ये येलो कलर के अच्छे से आ जाते, बट ये काफ़ी अच्छे बने हैं और टेस्ट में भी बहुत ही यम बने हैं, तो आई एम जस्ट लविंग इट। सो ताई जी जो आ गए हैं और इस तरह से कुछ जो है उन्होंने डेकोरेशन करा है। यहाँ पे जो है कैंडल्स लगानी बाकी है। ये वाला जो आप केक देख रहे हैं ये बनाया है पंकज ने, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ही इज सक्सेसफुल। मुझे तो कभी नहीं आया, ये दूसरा केक है जो हम अभी थोड़ी देर में जो ओपन करेंगे उसको। और ये यहाँ पे भी पूरे बलून्स लगा दिए हैं, बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों का सारा सब कुछ क्या क्या खाने का बनाना है वो भी हो गया है, तो मैं बताऊँगी आपको क्या है। तो सुपारी जाएगा
हेलो फ्रेंड्स, देखा आपने इस तरह से जो है हम लोगों की एनिवर्सरी आज सेलिब्रेट करी है। ज़्यादा कुछ इतना करा नहीं, बट जो भी था जितना भी था बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सारे सभी जो हम लोग थे वो साथ में थे। ताई जीजू भी आए तो यू नो थोड़ी रौनक आ गई। तो फ्रेंड्स, आपने ढोकले की रेसिपी तो देख ही ली, आई होप आप लोगों को पसंद आई है। आप लोग भी ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपके ढोकले कैसे बने करके। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग विद द न्यू टॉपिक, आई डोंट नो व्हाट, बट या फॉर श्योर विल सी यू सून। बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल। टाड़े टाड़े स्टार्ट। सेकंड पे कितना? अरे हाथों का कमाल।